आज दिन है 30 जुलाई 2024। आज के दिन हमारे विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय टाटोटी में श्री सुरेश जी भामाने सर का सेवानिवृत्त कार्यक्रम रखा गया है। आइए कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और देखते हैं क्या तैयारियां चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रंगोली बनाई जा रही है जो अतिथियों के स्वागत के लिए, तो इसमें मीनू मैम और सुनीता मैम भी मदद करवा रही है बच्चों के साथ। और प्रोग्राम की तैयारियाँ चल रही है, टेंट लगाए जा रहे हैं, मेटी बिछाई जा रही है और बच्चे इधर उधर व्यवस्था संभाल रहे हैं और स्टाफ साथी भी साथ दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं बच्चे जनरेटर निकाल रहे हैं, अगर बिजली जाती है तो इससे डीजे को चला सकें। जनरेटर के लुढ़कने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि इसका जो पहिया है ना वो टूटा हुआ है, लेकिन बच्चे काम आने वाले थे, संगठन में शक्ति है दिखा दिया और सब ने मिलकर एकदम इसको लुढ़का दिया और सही जगह पर लगा दिया। अब रंगोली को देखते कितनी तैयार हो गई, तो हमारी रंगोली इतनी तैयार हो गई है, बच्चे भी खूब मेहनत और लगन और सच्चे दिल से रंगोली को तैयार करने में लगे हैं। रंगोली बनाने में पूरी सावधानी बरती जा रही है, साथ में मीनू मैम भी पूरा साथ दे रहे हैं, बच्चों से कोई गलती ना हो जाए। देखो बच्चे पूरे एक एक हिस्से को अच्छे से तैयार कर रहे हैं, मीनू मैम भी पूरा साथ दे रहे हैं रंगोली बनाने में, ताकि बच्चों से कोई गलती भी नहीं हो और अच्छी भी बने और अतिथि देखते ही आश्चर्यचकित रह गए। बच्चे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, हमने म्यूजिक चला दिया, उधर सर फोटो खिंचाने के लिए कह रहे थे, मैंने वीडियो बना दिया इनका। सर का वीडियो ख़त्म हुआ और बच्चे कहने लग गए सर हमारा भी वीडियो बनाओ, तो मैंने इनका भी वीडियो बनाया। कुछ बच्चे तो वीडियो बनाते टाइम अलग अलग पोज दे रहे थे और कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे, उनको बड़ा मज़ा आ रहा था और आनंद ले रहे थे इस कार्यक्रम का पूरा। देखो देखो हेलो 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 और तेरी देखो। जब तक हमारे अतिथि नहीं आए तब तक मैंने प्रिंसिपल सर और सभी स्टाफ का फ़ोटो लिया और उनका वीडियो बनाया। और इसी बीच बच्चे जिद करने लगे सर हमें कोई गाना। आखिर वो पल आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, हमारे मुख्य अतिथि सुरेश जी सर पधार चुके हैं। हम सबसे प्रिय मार्गदर्शक विद्वान कर्तव्यनिष्ठ हमारे परम सम्मानीय श्री सुरेश कुमार पानोलिया जी का सेवानिवृत्ति का अवसर, संस्था से जो रिश्ते की दौड़ बनी थी उसके खुलने का समय आया है, जिस काम से नाम हुआ है उस काम से आराम का समय आया है। बच्चे जोरदार ताली बजाएं, तालियां बिखरे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस जहां में कुछ व्यक्तित्व कुछ शख्सियत ऐसे होते हैं कि इनके साथ इनके नाम के साथ काफी देर से इंतजार था इनका। सभी अतिथिगण मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करवाएं। सभी अतिथिगण हाँ माँ सरस्वती के समक्ष हाँ लालचंद जी माली जो हमारे सहकारी समिति के अध्यक्ष भी हैं और सीनियर स्कूल में विधायक प्रतिनिधि भी हैं एसडीएमसी में। आप सभी का हमें लगातार सहयोग मिलता है।
से शांत रहेंगे, ताली बजाते रहे। अरे सर, का स्वागत हमारे दोनों प्रथम साहिब द्वारा करते हैं आप सबका, इस महफिल में स्वागत करते हैं आप सबका, क्योंकि आपके समान प्रेरणादायक कोई नहीं। बच्चे ताली बजाएं आप सभी के लिए। प्रिंसिपल मैम द्वारा सुरेश जी सर की धर्म पत्नी जी का स्वागत तिलक लगाकर व मौली बांधकर किया जा रहा है। बच्चे जोरदार ताली बजाएं। सुरेश जी सर का स्वागत हमारे विद्यालय के मेनो मैम द्वारा किया जा रहा है तिलक लगाकर व मौली बांधकर। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशियों के दीप जलाते हैं, पवित्र भाव से खुशियों के दीप जलाते हैं। हमारे सर आए हैं आज चीफ गेस्ट बनकर, हमारे सर आए हैं आज चीफ गेस्ट बनकर। सभी ने बारी बारी से सर का स्वागत किया। श्री सुरेश जी सर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्तित्व जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इनके नाम के साथ जितना भी विशेषण जोड़ा जाए वो कम है। शाबा वंदन करते हुए जोरदार ताली बजाएं बच्चे। अब हमारे मेहमानों द्वारा सुरेश जी सर का स्वागत साफा पहना के किया गया और उधर उनकी धर्म पत्नी जी का स्वागत प्रिंसिपल मैडम ने सोल उड़ा कर किया। सभी एक साथ आ जाए ताकि सामूहिक फोटो हो जाए। सभी एक साथ आ जाए, ऐसे पल बार बार नहीं आने वाले। कहते हैं ना तस्वीरें लेते रहना चाहिए, बदला हुआ वक्त आईना नहीं बताता। तो मैंने सभी स्टाफ साथियों और हमारे अतिथियों का फोटो लिया और उनका वीडियो बनाया। दुकान आपको सब पुराना पटा के पास तस्वीरें काम है अच्छी फुल फ्रेम। सुरेश जी सर को तो मालाओं को वजन लगने लग गया तो इन्हें माला को भी हमारे अब्बास जी सर और प्रेम जी सर इनकी मदद करवा रहे हैं माला उतरवाने के लिए। तो बच्चे आराम से देख रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आराम से शांति से। बच्चों को बड़ा आनंद आ रहा था और जब मैं वीडियो बनाने लगता तो मेरी तरफ पोज देते। वीडियो बना रहा। स्वागत की इस सुमधुर बेला के पूर्ण होने के पश्चात अब मैं आमंत्रित करूंगा दीपा लक्ष्मी।
सुरेश जी सर के सुरेश जी सर की जो मेहनत और जो सहयोग स्कूल में हुई उनकी का बात कर पूरा गाँव की तरफ हुई आभारी हूँ। आने तो तुमको पहले तिलक होगा। आज बहुत ही पावन अवसर है जबकि श्री सुरेश जी बामनिया ने कल अपनी शिक्षा विभाग के अंदर अपनी सेवा जो है वो बहुत ही गौरवान्वित तरीके से पूरी करकर आज सम्मान के साथ जो है अपना सेवानिवृत्ति समारोह जो है इस उपलक्ष्य में यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनका बहुत ही हार्दिक स्वागत करती हूँ। 2021 में मैंने एज ए पीओ यहाँ पर ज्वाइन किया था, तब पहली बार ही इस स्कूल की जब मैं विजिट करने आई थी और सर से मेरा मिलना हुआ था, उनकी कार्यशैली थी जो थी वो इतनी प्रभावित कर गई कि मुझे कभी भी अपने कार्यकाल में इस स्कूल के बारे में कोई चिंता नहीं रही कि स्कूल के अंदर कोई अनियमितता है, अव्यवस्था है। मैंने सब सर के वालों से छोड़ रखा था और सीनियर होने के नाते मुझे जब जब मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी मैंने सर को तुरंत में फोन करती थी और सर बिल्कुल मेरे पास आ जाते थे और जो भी मैं उनसे सलाह चाहती थी, क्योंकि मेरे से इनका अनुभव जो है वो बहुत ज्यादा है और गांव से संबंधित किसी भी जो है क्षेत्रीय परेशानी या कुछ भी होती थी तो मैं इन्हें जरूर याद करती थी और ये आकर मेरा मार्गदर्शन भी करते थे। कभी कभार हमारा मतभेद भी हो गया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, मन में कभी नहीं हुआ हो, कभी कुछ थोड़ी बहुत सर का स्वभाव भी थोड़ा तेज देर तो हो सकता है और एक हाथ थोड़ी हो गई हो तो उसके लिए अगर कुछ मेरी तरफ से भी हुआ हो तो उसको मन में ना रखे। आपका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, आप अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही सजग और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूर्ण समय जो इस विद्यालय को समर्पित किया है और इसी कारण से ये विद्यालय आज इतनी अवस्था में है और इवन गांव वाले तो बोलते ही बाबू जी थे सुरेश जी के स्कूल ही बोलते हैं, वो महात्मा गांधी भी नहीं बोलते, उनको जो बोलते हैं कि पास वाले स्कूल में आपको जाना है तो यही बोलते हैं कि अच्छा सुरेश जी के स्कूल में, हाँ सुरेश जी के स्कूल में जाना है। तो ये विद्यालय सुरेश जी के स्कूल के नाम से प्रचलित हो चुका है। मैं आपको आगे भी इसी तरह से जीवन में आपका सम्मान बना रहे, आप पर प्रभु की बहुत कृपा रहे और आप हमें भी समय समय पर मार्गदर्शन देने यहाँ पर आते रहे, ऐसी मैं आपसे विनती करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो यही है हमारी प्रभु से आस, क्योंकि हम जानते हैं
महात्मा गांधी स्कूल के प्रधानाचार्य श्री वर्मा साहब, आज इस स्कूल से राजकीय सेवा से हमेशा के लिए विदा होने वाले मेरे अनुज श्री सुरेश बामनिया, स्टेज पर उपस्थित सभी अतिथिगण, गांव से बधाए हुए सभी मेहमान, सुरेश जी के घर से बधाए हुए सभी भाई बहन, छात्रों और छात्राओं, सर्वप्रथम इस कड़ी में मैं एक चीज कहना भूल गया, मैं उससे पहले वापस दोहरा लेता हूं। सबको याद कर लिया, लेकिन एक जो सुरेश जी के परम मित्र भी हैं और हमने भी करीब 3 या 4 साल एक ही यूनिट में काम किया, श्री नारायण जी चौधरी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। इसके बाद मैं सर्वप्रथम सरस्वती माँ के चरणों में मेरा वंदन करता हूं, जिनकी बदौलत आप और हम सब यहाँ विराजमान हैं, जो विद्यादायिनी है, विनोदिनी है और हम सब के सर की सरपरस करने वाली है। बच्चों, इस तरह के फंक्शन मैंने बहुत से अटेंड किए इस स्कूल में भी और कहीं। पिछले 5 सालों से मैं यहाँ निरंतर आता रहा हूँ, जब भी भाई सुरेश जी ने और उनके बाद आने वाले प्रधानाचार्य जी ने मुझे आमंत्रित किया तो मैं इनके यहाँ हाजिर हुआ। जो कोई छोटा मोटा काम बताया उसको भी अपने सामर्थ्य के मुताबिक मैंने पूरा किया। इस स्कूल के टॉपिक से हटकर अब मैं आता हूं भाई सुरेश जी वामनिया की ओर। श्री सुरेश जी वामनिया एक वर्सिटाइल आदमी, जिसका मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसको स्कूल का प्रबंधन करना भी आता हो, काम के साथ अपने विद्यालय का तालमेल करना भी आता हो, बड़े अफसरों के साथ स्कूल का तारतम्य कैसे स्थापित किया वो भी आता हो, स्कूल पे अगर कोई संकट के बादल आए हो तो उसको कैसे दूर किया जाए वो भी इनके गुरु को आता हो, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री सुरेश कुमार जी बामनिया आज इस स्कूल से, इस राजकीय सेवा से सेवान्वित होने जा रहे हैं और उन्हीं के सम्मान में आप और हम सब यहाँ एकत्रित हैं। बच्चों और अतिथि, सुरेश जी और मैंने भी 2 या 3 साल यूनिट में काम किया, एक स्कूल में नहीं लेकिन एक यूनिट का मतलब होता है एक केंद्र के अधीन। तब भी हम बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन इन्होंने मेरा हमेशा बड़े भाई के समान सम्मान किया। चाहे कितने अफसर होते लेकिन ये जब भी मिलते थे तो ये सिर्फ धोख ही देते थे। मैंने कहता यार अपन एक जगह बैठते हैं और अपन सब टीचर हैं। आई एम नॉट अ बिग ब्रदर हियर, आई एम जस्ट लाइक अ टीचर लाइक यू, बट ही डिड नॉट ओबे माय परमिशन एंड ही बॉट इनटू माय फील्ड। इनका बड़प्पन था। श्री सुरेश जी सर जब तक इस स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे, इस स्कूल को हमेशा अपनी चरम सीमा पर पहुंचाने की कोशिश की। ये स्कूल इनके आने से पहले भी चल रहा, ऐसी कोई बात नहीं। राजकीय जो उपक्रम होते हैं, राजकीय संस्थान होते हैं, अध्यापक आते हैं जाते हैं, संस्था प्रधान आते हैं और जाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी हस्तियां होती है जो अपना अमित छाप छोड़ जाती हैं। मैं जब एक बात में सुरेश जी की कर रहा हूं लेकिन कोई उदाहरण मुझे देना पड़ता है तो मैं अपने आप को भी उसमें कोड किए बिना नहीं रहता हूं।
जब मेरा सेवानिवृत्ति कार्यक्रम चल रहा था, इसी तरह का एक भव्य कार्यक्रम था, तो उसमें जो अपने थोड़े दिन पहले श्री धर्मेंद्र कुमार जाटव ज्वाइंट डायरेक्टर थे, आज वो टीटी कॉलेज में है सबसे बड़े पद पर, वो वहां थे। उन्होंने बहुत कुछ लंबा कहा, लेकिन एक शब्द बोला था कि इफ वी कैन हैव अ ब्लाइंड फेथ, यदि हम कोई अंधा विश्वास कर सकते हैं, दैट इज मिस्टर इकबाल। तो वो श्री इकबाल है इस विद्यालय के अंदर, जो मैंने 4 साल तक ये विद्यालय इनके ही ऊपर छोड़ा। तो वही शब्द में श्री सुरेश कुमार बामनिया के लिए बोलूंगा कि हमारे यहाँ नए प्रधानाचार्य आ गए, नए टीचर्स आ गए, सब कुछ बदलाव हो गया, लेकिन सारा कार्यक्रम, सारा स्कूल उन्हीं के कंधों पर चलता रहा। यद्यपि स्कूल को चलाने वाले हमारे प्रधानाचार्य श्री वर्मा जी थे, लेकिन गतिविधियां, कार्य करने की शैली, कार्य करने का तरीका श्री सुरेश जी का इस तरह का था कि वो हर एक को बाध्य करते थे कि उनको पर्सनल टास्क भी हो जाता था। श्री सुरेश जी ने जो भी कोई कार्यभार यहाँ उनको दिया, उनको बाखूबी से निभाया। प्रधानाध्यापक का कार्य निभाते हुए उन्होंने इस स्कूल को सेकेंडरी का प्रपोजल भेज करके सेकेंडरी से भी अपन सीनियर सेकेंडरी करवाया। वो प्रपोजल इन्हीं के द्वारा था, उसके लिए एक बार बहुत बड़ी ताली बजाई। संस्था प्रधान रहते हुए जो मिड डे मील कार्यक्रम होता है, वो एक ऐसा कार्यक्रम है, कहने में बहुत अच्छा कि हमारे बच्चों को खाना मिलता है, दूध मिलता है, लेकिन पब्लिक क्रिटिसाइज, पब्लिक की आलोचना इतनी होती है कि हम सहते नहीं पाते, हमारे कान पक जाते हैं। लेकिन श्री सुरेश जी ने इस कार्यक्रम को इतना बाखूबी निभाया कि साल में एक बार जितने भी गांव के मौजूद व्यक्ति होते थे, उन सबको यहाँ बुलाते और उनको इन बच्चों के साथ सबको स्पेशल डाइट दे करके ये उदाहरण प्रस्तुत करते कि मैंने न केवल इस मिड डे मील को सुचारू रूप से चलाया, बल्कि मैंने इस पे पैसा बचाया और इस स्कूल के विद्यालय में इतना पैसा लगाया। हमारे इस प्रतिभा के धनी श्री सुरेश कुमार जी बामनिया, जो मैं सोचता हूँ कि कोई दूसरा बनने की कोशिश करे तो मैं उसका तहे दिल से इस्तकबाल करूंगा, सम्मान करूंगा, उसका अभिनंदन करूंगा। और मैं चाहूंगा कि ऐसे जुझारू व्यक्ति मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, तो एक आपके सामने खड़े हैं, दूसरे मिस्टर लालाराम यहाँ बैठे हैं, और भी वो बंधुगण हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जिसमें एक इंग्लिश के भी हैं, वो बहुत जुझारू हैं, इस स्कूल में उचित तरह से काम करेंगे। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ सुरेश जी ने अपनी वसीयत के रूप में यहाँ छोड़ा है, आप उनसे सीख लें। एक शेर है, मैं जानता तो नहीं हूँ, मुझे मेरा जहाँ तक ख्याल है कि या तो वो बशीर बख्त का है या फिर रिदा फाजिल साहब के, उन दोनों में से एक का है। उस शेर के साथ मैं अपनी बात को अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि सुरेश जी के लिए जितना मैं कहूँ उतना कम है कि आता है तूफान तो आने दो, आता है तूफान तो आने दो, तूफान आ रहा है, तुम्हारी नाव नदी के अंदर चल रही है, समुद्र में चल रही है। तो शायर कहता है कि आता है तूफान तो आने दो, कश्ती का खुदा खुद मालिक है। कश्ती कहते हैं नाव कि कश्ती का खुदा, खुदा ईश्वर, कि अगर तूफान आ रहा है समुद्र में, वो नाव चल रही है, तो उसको आने दो, इस नाव का ईश्वर खुद मालिक है। मुमकिन हो संभव हो, बहते हुए इन्हीं मौजों में, बहते हुए का मतलब चलते हुए, मौज कहते हैं थपेड़ों को, पानी में उठने वाली लहर को, जो कभी उठती है कभी बैठती है। तो मुमकिन हो बहते हुए इन्हीं पानी के थपेड़ों में साहिल आ जाए, मंजिल मिल जाए। साहिल का मतलब क्या होता है? मंजिल। हमारे सुरेश कुमार जी भी उन्हीं में से एक है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ कि जब हम विद्यार्थी जीवन में थे, मैं इनसे आगे चल रहा था, ये मेरे पीछे चल रहे थे, लेकिन संघर्ष हम दोनों का समान
काम था, जितना संघर्ष मैंने किया उतना इन्होंने भी किया, जो कि पारिवारिक परिशिष्ट या ये कहना चाहिए हमारे परिवार की जिंदगी वो अच्छी नहीं थी, उन कठिन परिस्थितियों में भी हमने हमारी मजदाक में अंदर जो नाव डूबने वाली थी उसे डूबने नहीं दिया, हमने हिम्मत नहीं हारी, हम चलते गए और श्री सुरेश भाई भी चलते गए और उन्होंने आखिर अपनी मंजिल प्राप्त की और आज बिना दाग के बिना किसी कलंकित के दागे कुछ ही आप इन सब महानुभावों के सामने यहाँ से सेवानिवृत्त होकर के विदा हो रहे हैं। मैं एक बार फिर इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बाकी जो इनका रिटायरमेंट का समय रहेगा उसके लिए अच्छा समय गुजरने के लिए, इनके बच्चों के लिए अच्छी शुभकामनाएं और ये इनको सलाह दूंगा कि जैसे आप स्कूल अपने टाइम टेबल के आधार पर बिफोर टाइम आया करते थे और आफ्टर टाइम जाया करते थे, उस टाइम टेबल को आप अपने सेवानिवृत्त जीवन में वैसे ही बनाए रखें, चाहे किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन करके या कहीं सफान व्यक्तियों में भेज कर बैठ करके बातचीत करके अच्छा माहौल बना करके, ताकि आपका स्वास्थ्य एज इट इज बना रहे। एक बार फिर आई वेस्ट हिम, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बोलते बोलते क्या होता है, भाव का वश हम शब्दों को भूल जाते हैं, कभी गलत निकल जाता है। Once again, I wish him all the best for his rest given after the life of retirement. Okay, thanks. विद्यालय परिवार का एक बार फिर धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाने का मौका दिया। Thanks. समस्त अतिथिगण एवं गुरुदेव, आज सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर सुरेश जी सर को बहुत बहुत बधाई एवं विद्यालय में हर समय 100% देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय में कोई भी कार्य रहा हो, चाहे पढ़ाई हो, अनुशासन हो, पोषण के समय बच्चों को खाना खिलाना हो, हर समय इन्होंने मेहनत और लगन से कार्य करके विद्यालय को आगे बढ़ाया। इसी कारण आज हमारा विद्यालय MCGS में परिवर्तित हो गया है, जिसका फायदा आज आप सभी बच्चों को मिल रहा है। अंत में मैं यही प्रार्थना करूंगी कि सेवानिवृत्ति के बाद भी यह इसी तरह बिना कष्ट के अपने जीवन के बलों का आनंद लें और अपने सपनों को पूरा करें। धन्यवाद।
प्रधान जी बामनिया का हार्दिक स्वागत अभिनंदन होता हुआ अजीत सिंह जी राठौर वाइस प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम, सत्यनारायण जी बामनिया सर, सुमन मैडम और सभी स्टाफ की भावनाएं इस स्वागत समारोह अभिनंदन में शामिल है। जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं उन सभी की भी शानदार स्वागत और अभिनंदन होता हुआ खुशियों का माहौल बन गया आपके आ जाने से। कार्यक्रम में चार चांद लग गए आपके आ जाने से। और ऐसे बच्चे जोरदार तालियां बजाएं एक बार समर्थित कर। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को सादर नमन। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, पीओ मैडम एवं सम्मानित मंच, सभी आगंतुक एवं स्टाफ साथी व प्यारे बच्चे, आप सभी का सहृदय सम्मान करते हुए आज ही श्री जी बामनिया सर के सेवानिवृत्त समारोह पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चंद अल्फाजों में भावनाओं के अथाह सागर को समेटना चाहती हूँ। चंद अल्फाजों में भावनाओं के अथाह सागर को समेटना चाहती हूँ। अपने हृदय में छिपे आपके प्रति सम्मान को उजागर करना चाहती हूँ। यदि शब्दों की माला का कोई मोती पसंद ना आए बच्ची अपनी ही समझ कर नजरअंदाज कर दे। एक दशक से भी ज्यादा वक्त आपकी छत्र छाया में गुजारा, उस वक्त की कुछ खास बातों को आप सभी के संग बांटना चाहते। वर्ष 2012 माह सितंबर, मौसम बरसात, घर से कोसों दूर एक नई झलक पर भटकती दो बाबू, नौकरी लगने की खुशी और नए संघर्ष की शुरुआत में ना दिन का पता था ना रात के ठिकाने का ही कोई अंदाजा था, ना खाने की सुर्खी ना रहने का ही कोई बसेरा था। आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे सब होगा और इन सब सवालों के जवाब के रूप में पहली बार आपका मिलना। हमारी जिम्मेदारी लेकर आपका वो इंसानियत का परिचय देना, वो रहने खाने सोने की व्यवस्था हमारे लिए अनजान जगह पर कर देना, वो मेरी कर्म स्थली का पहला निवारा आपके घर से पाना, वो दिन मैं कभी नहीं मिला सकता। बाद इसके भी अपनी ही बच्ची समझकर आपका वो परवाह करना, ध्यान रखना, पिता तुल्य अभिभावक बनकर वो आपका दया भाव रखना। आपकी छत्र छाया में हूँ इस विश्वास से मेरे माता पिता का निश्चिंत रहना, वो समय मैं कभी नहीं मिला सकता। जिस तरह एक घर की छत की मजबूती पूरे परिवार को सुरक्षा देती है, मैंने भी आपको वही मजबूती दी है इस विद्यालय की सुरक्षा करते हुए देखा। बाहर से कठोर हृदय से मोह मैंने आपको हर परिस्थिति में ढलते हुए देखा। आपने जिम्मेदारियां संभालना सिखाया है तो वही अनावश्यक जिम्मेदारियों से बचाना है। पोषाहार रजिस्टर का कार्य हो, चाहे प्रवेश करने या टीसी देने का, शाला दर्पण से संबंधित हो या परीक्षा परिणाम का, आप ही से सीखा और व्यवहार भी करा। कैसे आपने अकेले पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी संभाली, हर काम अपने हाथों से किया, हर चीज व्यवस्थित रखी, पुरानी से पुरानी कोई फाइल कोई रिकॉर्ड कभी संभालना ही नहीं पड़ा। आपकी व्यवस्था ऐसी थी कि कभी कुछ इधर का उधर ना हुआ। सबसे विशेष बहुमुखी प्रतिभा की धनी आपने ऑफिस का सारा काम खुद संभालने के बाद भी विद्यालय परिसर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा और सभी बच्चों को हमेशा अपने हाथों से भोजन परोसा। उम्र के इस पड़ाव पर भी आपका इतना एनर्जेटिक रहना मैंने आपको कभी खाली बैठे नहीं देखे। आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताने के लिए सब कुछ बहुत कम है, यही कहूंगी कि आप इस विद्यालय का सुरक्षा कवच बने रहे सदा। अंत में आपके उज्ज्वल भविष्य अच्छी सेहत की कामना करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सर्वदा यूं ही हंसते मुस्कुराते परिवार संग कुशल मंगल जीवन व्यतीत करें एवं अपने इस बच्चे को कम ही सही जरूर याद रखें। इसी के साथ आपके लिए यादों के कुछ फूलों को समेट कर बनाए गुलदस्ते को आपको भेंट करना चाहती हूँ, कृपया स्वीकार करें। श्री जी सर।
बच्चे जोरदार ताली बजाएं। मीनू मैडम ने जब यहाँ ज्वाइन किया था तब की परिस्थितियों से लेकर आज तक की परिस्थितियों को इस भाषण में अपने बताया है। मैम एक बार इधर भी देख लो, मैम मैम इधर इधर देख लो, हाँ बोलो। अरे आप उधर चले जाओ, वो दोनों कैमरामैन फिर कैसे डिस्टर्ब हो जाएंगे। दिखाओ सर, माने दिखाना सर, इधर दिखाओ जी साहब, प्रधानाचार्य साहब, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और महात्मा गांधी विद्यालय परिवार, आप सभी का जो ये कार्यक्रम रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम क्या माता पिता के आशीर्वाद से चार भाई सर्विस में थे और खुशी की बात तो यह है कि आज हमारा छोटा भाई सेवानिवृत्त होने जा रहा है। 34 साल की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होने जा रहा है। आप विद्यालय परिवार ने जो मान सम्मान दिया हमारे छोटे भाई का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आदरणीय सम्मानीय मेरे पिता तुल्य श्री सुरेश जी बाबनिया साहब, जिनके सेवानिवृत्ति समारोह में है आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मंच पर विराजमान राठौड़ साहब श्री जयदीप सिंह जी राठौड़ का, लालचंद जी भाड़ी साहब, हमारे विद्यालय के भामाशाह केसर साहब, राम प्रसाद जी, मनोज साहब, आदरणीय इकबाल साहब, आदरणीय पीओ मैडम श्रीमती वर्षा राठौड़ मैडम, आदरणीय वाइस प्रिंसिपल सर, आदरणीय सुमन मैडम, सुरेश जी के परिवार से पधारे हुए समस्त जन, गांव से पधारे हुए समस्त सम्मानित नारायण जी सर, आप सभी का इस विद्यालय परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत कि आज श्री सुरेश जी सर जो इस विद्यालय के स्तंभ हैं, एक स्तंभ और इस विद्यालय की रीढ़ की हड्डी है, और वो आज हमारे विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 34 वर्ष की सेवा बहुत बड़ा कार्यकाल होता है और आपने शिक्षा विभाग को 34 वर्ष 6 माह समर्पित किया है और आज ये विद्यालय आपको विदाई दे रहा है। बड़ा दुख का समय है क्योंकि ये विद्यालय हमेशा आपका ऋणी रहेगा, आपका ऋण चुका ही नहीं सकता, क्योंकि इतने अच्छे कार्य, इतना अच्छा काम आपने किया है, इतने अच्छे बच्चे आपने यहाँ तैयार किए गांव में। जैसा कि अभी मंच में बताया कि ये विद्यालय आपके नाम से जाना जाता है, तो कैसे भूल सकते हैं हम आपको, कैसे आपका ऋण उतार सकते हैं। तो ये बोलने वाली बात नहीं है, आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहिए, आपका आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें, तो ऐसी ही कुछ भावनाएं हमने कुछ शब्दों में फिराई है जिसको अभिनंदन पत्र के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो संपूर्ण विद्यालय परिवार की भावनाएं हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपका समग्र व्यक्तित्व इसमें समाहित हो जाए। जय माँ सरस्वती, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कांटोटी। यदावर्ति श्रेष्ठ देव तेरो जन स सत्प्रणाम कुरुत लोकस्थ वर्तते। श्रीमान सुरेश जी वामनिया अध्यापक, इनका सेवारंभ प्रथम नियुक्ति 20 जनवरी 1990 और सेवानिवृत्ति 31 जुलाई 2024। परम आदरणीय श्री सुरेश कुमार जी वामनिया की गौरवपूर्ण सेवानिवृत्ति पर
यह अभिनंदन पत्र इनको सादर समर्पित। ज्ञान ज्योति को किया प्रज्वलित, जड़ता का अंधकार मिटाया, पथ से भटके हर राही को दिखलाकर पथ जोश बढ़ाया, अपने शुभ कर्मों से आपने सबके मन को जीत लिया, जिसने आहत किया आपको हंसकर उसको समा किया, माँ शारदा के पावन मंदिर की अबूझ ज्ञान पिपासु, अक्षर धर्म के आराधक, सतत प्रज्वलित मौन दीपक, भाषा की प्रांजलता, चिताकर्षक से हृदयता, माँ हंसवाहिनी के अनंत दुलारे, कुशल शब्द शिल्पी, मौन चित्रकार, विधि ज्ञाता, विनोद प्रिय, अल्पभाषी, स्वाभिमान के अनूठे पुजारी, स्वभाव में नम्र, मुखारविंद पर सदाबहार स्नेह हसी, गीतों के बेताज बादशाह, संगीत प्रेमी, स्वर्णिम रश्मियों से अलंकृत नयन, ग्राम टाटोटे का सुपुत्र श्री सुरेश कुमार बामनिया का अवतरण परम स्नेही श्री रामनाथ बामनिया एवं वात्सल्य में श्रीमती सोनी देवी के घर 16 जुलाई 1964 को हुआ। ग्राम टाटोटी के देवाधिपति इंद्र नाम राशि के सुरेश कुमार ने अपने नैसर्गिक गति से भावी चौमुखी प्रगति के प्रारंभिक पाठ पढ़ते हुए विनाय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से 1982 में उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की और दयानंद महाविद्यालय अजमेर से 1987-88 में एम कॉम अधिस्नातक उत्तीर्ण किया। अत्यंत मेधावी ज्ञान पिपासु श्री सुरेश कुमार बामनिया ने 1988-89 में जवाहरलाल नेहरू बीएड कॉलेज सकतपुरा कोटा से बीएड की उपाधि प्राप्त कर अपने जीवन का एक अध्याय पूरा किया। मृदु सौम्य व्यक्तित्व आपका, सरल सरकरासी भाषा, मृदु सौम्य व्यक्तित्व आपका, सरल सरकरासी भाषा, धीर गंभीर मितभाषी, कर्म योग की नूतन परिभाषा। तो जैसा ही आपका व्यक्तित्व है, आपका विवाह दिनांक 19 नवंबर 1988 को श्रीमती शारदा देवी के साथ संपन्न हुआ। सचिन और सावन के पिता श्री सुरेश जी आपकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 20 जनवरी 1990 को जिला परिषद भीलवाड़ा से चयनित होकर राज्य के प्राथमिक विद्यालय मोकुंदा रायपुर भीलवाड़ा में आपने अध्यापक पद पर कार्यग्रहण किया। यहां से आपकी शिक्षा सेवा यात्रा प्रारंभ हुई। यहां आपने 1993 तक कार्य किया। 1993 से 1997 तक राजकीय प्राथमिक विद्यालय चांदवा में, 1997 से 1998 तक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सूरजपुरा गोयला में आपने कार्य किया। 1998 से 1999 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाननवाड़ा, उसके बाद लगातार 2000 से 2001 रामपुरा पड़ांगा, 2001 से 2009 तक राजकीय प्राथमिक विद्यालय टाटोटी जो कर्मोनी एवं कुछ समय के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुरा में अपनी सेवाएं दी। और आपका जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा 2009 से 2024 तक का राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय टाटोटी जो वर्तमान में कर्मोन्नत अवकर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बन गया है। इस विद्यालय के दीर्घ काल क्रम में आपने अपनी अनूठी कार्य शैली से सबका मन जीता, सबका मन मोहा। आपका विद्यालय परिवार के साथ हमेशा सदव्यवहार रहा। विद्यालय ने जो भी आपको कार्य सौंपा, आपने पूरी निष्ठा के साथ उसे संपन्न किया। अब एक दोहा है आपके लिए दिनकर जी का, चाहे दिनकर आए हस्ताचल या प्राची से छिप जाए, चाहे चले विपरीत हवाएं या चंद्र अनल बरसाएं, बस एक अभिलाषा हमारी वो पूरी हो जाए, संसार की सारी खुशियां चौगुनी होकर आपको मिल जाए, संसार की सारी खुशियां चौगुनी होकर आपको मिल जाए। आज काटोटी का ये राजकुमार
34 वर्ष की अपनी राजकीय यात्रा वृतांत के अंतिम पृष्ठ पर सत्यम स्वयं सुंदरम लिख अगले अरुणोदय की स्वर्णिम सुषमा में जीवन का विहंगम अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज दिनांक को आपकी शिक्षा विभाग में 34 वर्ष 6 माह की सेवा पूर्ण होने पर शब्द सुमनों के साथ हम सब भोजिल हृदय से विदा करते हुए समस्त विद्यालय परिवार आपके मंगल में सुखद स्वस्थ निरोगी भावी जीवन के साथ शुभाकांक्षा के साथ दीर्घायु होने की कामना करता है। अब मेरा समस्त स्टाफ साथियों से विनम्र आग्रह है कि आप सभी मंच पर यहाँ एकत्रित हो जाएं ताकि आदरणीय सुरेश जी सर को ये अभिनंदन पत्र प्रस्तुत किया जाए, उनको सम्मान में भेंट किया जाए और विद्यालय द्वारा एक कुछ भेंट आपको प्रदान की जा रही है उसको आप ग्रहण करें और इस विद्यालय परिवार द्वारा हम सब स्टाफ साथियों द्वारा अगर जाने अनजाने में अगर हमने कुछ कह दिया हो आपको तो आप उस बात को विद्यालय में ही छोड़ के जाएं और हमेशा एक पिता की तरह एक क्योंकि आप मेरे पिताजी के साथ भी आपने काम किया है और मैंने इन दो वर्षों के कार्यकाल में आपको पिता की तरह ही आपको समझा तो आगे भी आप एक पिता की तरह ही हमें मार्गदर्शन देते रहें और हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़े, आप समय समय पर आकर यहाँ हमें संभालते रहें हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आदरणीय सुरेश जी, अब मेरे स्टाफ साथियों से निवेदन का आग्रह है सर आप मंच पर आए और हमारा ये अभिनंदन अपनी शीतल छाया जय शांति से बैठ रहेंगे। क्लास 9 तैयार है क्लास 10 के बाद, उससे पहले अगर एमडीएम के जो वो है अगर आ गए हो तो वो आ जाए। तो मजबूत तो भेद करा दियो थे। 10th क्लास के बच्चों ने एक तस्वीर दी जिनमें सर के साथ फोटो थी, इधर दिखा, बहुत ही प्यारी है आप देख सकते हैं। धन सागर में काम आने वाली चीज है, बहुत अच्छी, सबसे अच्छी सेवानिवृत्ति के बाद सबसे ज्यादा काम में आने वाला तोहफा मेरे हिसाब से यही है। जय श्री कृष्णा। क्लास 8th 9th हो गई कंप्लीट, क्लास 8th इसको वहीं ले जाके रखो, वापस वैसे ही पैक करो इसको। और बच्चे गिफ्ट देने के बाद उसको फिर पूरा खुलवा भी रहे थे कि इनको हमारे सामने खोल के देखो, तो जैसे ही खोल के देखा हम तो देखते ही रह गए क्योंकि इसके अंदर बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है। माँ शारदा की प्यारी सी मूर्ति है और एक दूसरा जो गिफ्ट है उसमें एक सिल्वर का पेन होता है तो जो बहुत ही प्यारा। हाँ भाई ये पेन लिया बच्चों ने 8th क्लास के बच्चों ने, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। जिन्होंने गिफ्ट दे चुके हैं सरस्वती मूर्ति है आठ दो सर के बच्चों का असीम स्नेह असीमित प्रेम है सुरेश जी सर के लिए। अपनी यादों को संजो कर रखने के लिए बच्चे जोरदार ताली बजाएं एक बार इनके लिए। इधर देख लो सब। यस 6th क्लास सही है सर, आप कैसे देख रहे हैं बच्चे एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। क्या बात है, चलो बेटा आ जाओ। हम ठीक रहे
अब आप कह रहे अगर बड़ा सुरेश जी मां साहब को मारा, मैं बड़ा भाई मैं कौन है, हमारा पिताजी का साथी है मैं, तो मैं आपका सानिध्य में चल रहा है और देखता है कि सुनो है जान जान जी मां साहब जो भी पूछ जाएगा कितना साल की उम्र हुई जो बावन ही होया गल, अरे बावन क्या होया साहब रिटायरमेंट हो गया अब तो बाकी कई बच्चे हो गए जो कि चौपन मान लो चौपन क्या हो एक घटना उधम छोटी सी नागने से मतलब किया रसोई ही तो बट गए आपने डबरेला का एक बना जो बाहर बेटा तो मैं क्यों सको है जो बान मोड़ा जो मैं डबरेला को अपना अपना नसीब होता है, जब याद अपना कोई करता है तो दर्द दिल के करीब होता है। माँ शारदा को प्रणाम। मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि को प्रणाम। मंच पर विराजमान काटोटी राव साहब, आदरणीय जयदीप सिंह जी राठौर साहब, मानरवाड़ा सरपंच साहब श्रीमान विक्रम सिंह जी राठौर साहब, यहाँ विराजमान रामपुर साहब जी केसर साहब भाई साहब और बड़े भाई साहब, उच्च महादेव विद्यालय काटोटी संस्था के प्रधान, स्थानीय संस्था के प्रधान सम्मानीय मनोज कुमार जी वर्मा साहब, पानरवाड़ा से सरपंच साहब के साथ में पधारे विशेष अतिथि के रूप में, आपका भी मैं इस अवसर पर सम्मान करूंगा और गांव से पधारे हुए सभी नागरिक मेरे परिवारजन और साथ में स्थानीय विद्यालय के मेरे भाइयों और बहनों और साथ में प्रिय विद्यार्थियों, इसकी नौकरी लगती है सरकार में एक दिन उनको विदा होना पड़ता है, जैसे ही समय होता है सरकार आदेश निकालती है कि अब आप घर जाइए और घर पर विश्राम करिए, ऐसा ही सरकार ने हमारे साथ किया है, सबके साथ ही होता है। मैंने जीवन में 34 साल नौकरी की है, भीलवाड़ा जिले से मैंने शुरुआत की है, जैसे कि हमारे सत्ता प्रधान साहब ने आप सबके सामने इस बात को बताया था। सेवाएं देते देते ट्रांसफर होकर पंचायत समिति विधायक एक चांदवा ग्राम में मैंने काम किया, उसके बाद में मैंने पंचायत समिति विधायक में ही लगभग 18 वर्ष तक मैंने काम किया है, कार्यकारिणी मैंने काम किया, उस समय साक्षरता प्रकोष्ठ का काम भी किया है और भी कुछ जिम्मेदारियां मैंने की है, तो आना और जाना तो लगा रहेगा और विधेयक भी तय है। मैंने जीवन में एक ही उद्देश्य रखा, अनुशासन पर मैंने बहुत विशेष बल दिया और हमेशा संस्कार की बातों को मैंने आगे बढ़ाया है, वही बातें आज आप सब पर लागू है। हम संस्कारमय बने, अनुशासित रहे हैं और मैंने विद्यालय इतने कभी भी मैंने छोटे बड़े का ध्यान नहीं रखा कि भाई ये मेरे से छोटा है तो मैं इससे कुछ मांगू नहीं मांगू, बड़ा है तो मैं क्यों मांगू, मैंने चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो मेरी संस्था के लिए, मैंने विद्यालय के लिए एक गांव का निवासी होने के लिए तन मन धन से काम किया है और मैंने मांगने में कभी कोई कमी नहीं रखी है। और आदरणीय भामाशाह के रूप में विराजमान है, साक्षात हमारे बीच में विराजमान है भामाशाह केशर साहब, आपसे निवेदन किया था हमारे पानी की कमी है, आपने तुरंत 50,000 रुपए में अनुग्रह किए तो 50,000 रुपए का टैंक आपके सामने बनकर तैयार हो गया जिससे बच्चों को पानी मिल रहा है। ऐसे ही हमारे गाँव में भामाशाह में कोई कमी नहीं रही है, जब जब भी हमने गाँव वालों से कहा है निवेदन किया है आप आकर विद्यालय को प्रोत्साहित करते थे, विद्यालय को जो भी चीज की जरूरत पड़ती थी वो आप लोग दे देते।
सेवा काल में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं। मैं तो स्टाफ से भी निवेदन करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा, सरकारें भी बनती है बदलती है, ये विद्यालय यही रहता है और विद्यालय में जो पढ़ाने वाले हैं वो भी वही सरकारी कर्मचारी के रूप में रहते हैं। हमें किसी राजनीति में विश्वास नहीं करना चाहिए, जिसकी सरकार बनती है बनती रहेगी। हमें हमारा जो काम है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम पूरा करें। ये हमारे सामने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भविष्य के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि इनको किस तरह से हम विद्या प्रदान करें, ताकि हमारे गांव का नाम रोशन करें और साथ में सभी गुरुजनों का नाम भी रोशन हो। ये मैं आप लोगों से जरूर निवेदन करूंगा। तन मन धन से आप समय पर आइए, समय पर आप जाइए। मैं कह रहा हूँ आप 10 मिनट भी अगर जल्दी आते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी आपके लिए। हमें समय के बाद ही हमें विद्यालय छोड़ना चाहिए। ये गुण अगर हमारे में रहेंगे तो कोई भी माई का लाल हमारे विद्यालय पर, हमारे साथी लोगों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इसलिए मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि हम यहाँ पढ़ाएं और सभी लोग समय पर आए, समय पर जाए बस। और गांव का और गांव वालों का, जनप्रतिनिधियों का हमें सम्मान करना चाहिए, वो हमारे आदरणीय होते हैं। और इस विद्यालय के एक अगर जैसे कोई आवश्यकता है विद्यालय के लिए तो मेरी तरफ से मैं कुछ भेंट के रूप में 21,000 रुपये इस विद्यालय परिवार को मैं मेरी तरफ से भेंट देना चाहूँगा। आप स्वीकार करेंगे इस बात को? और जो भी कोई काम है उसमें भी अगर कोई कम पड़ता है तो आप मेरे से निसंकोच होकर आप और मांग लीजिएगा। ये विद्यालय मेरा परिवार है, परिवार ही रहेगा। आप सबका आशीर्वाद मेरे पर बना रहेगा, आपका स्नेह पूर्व की भांति बना रहेगा। और मैं तो क्या फ्री रहूंगा, तो मेरा तो गांव है तो मैं इस विद्यालय में आ जाऊंगा। ये तो मेरा फर्ज भी बनता है, गांव का नागरिक हूं तो यहाँ विद्यालय में आऊंगा। और आदरणीय मैम साहब जो वर्षा मैम है, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर मेरे से अगर कोई त्रुटि हुई हो कुछ शब्दों में तो आप मुझे यही क्षमा करिए। और आप सबके उज्ज्वल भविष्य की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हमेशा ये बच्चे निरंतर प्रगति करते रहे, सबके चेहरों पर मुस्कान रहे, हंसी रहे हैं, दिनों दिन आप तरक्की करें, आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, ये मैं माँ शारदा से, परम पिता परमेश्वर से मेरी तरफ से प्रार्थना करूंगा। और इस स्नेह को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, जो मुझे आप लोगों ने जो स्नेह दिया, जिन बच्चों ने स्नेह दिया है, वो उसको कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं पुनः इस विद्यालय के परिवार को, उच्च माध्यमिक विद्यालय परिवार को, ग्रामवासियों को और जितने भी मेरे भाई साहब यहाँ विराजमान हैं, आदरणीय जोरम साहब है, मेरे बड़े भाई साहब हैं, नारायण जी लाल जी, तुम्हें आप सब का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और उम्मीद करूंगा ये स्नेह हमेशा बना रहे हैं। इसी के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है, इसी बीच हम बच्चों की छुट्टी कर देते हैं। बच्चे आराम से आनंद के साथ जा रहे हैं। बच्चे भी धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि इन्होंने भी कार्यक्रम के दौरान अपनी अच्छी भूमिका निभाई, अनुशासन में रहे। बच्चों के जाने के बाद हम हमारे अतिथियों को खाना खिलाते हैं। आइए खाने का टेस्ट जानते हैं। और सर वीडियो बनाओ और बताओ खाना कैसा लगा? और सर दो शब्द कुछ कहना चाहोगे सर? अरे यहाँ पर वीडियो, हमारे अध्यापक साथियों से ऐसे मजाक करने के बाद अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, प्रेम जी सर के पेट में चूहे कूद रहे हैं तभी खड़े हैं पेट को फुला के।
और प्रेम जी। अंत में सभी स्टाफ साथियों ने खाना खाया और उसके बाद अपने अपने घर गई। हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू।